आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के सोशल साइंस का चैप्टर 2, जिसका हेडिंग है अर्ली ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि जो पुराने समय में इंसान होते थे उनका समाज कैसा होता था, वह किस तरह के समाज में रहा करते थे। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जो इंसान की कहानी है वह दो हिस्सों में बटी हुई है, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री किसे बोलते हैं? प्री हिस्ट्री वैसा समय है जब लिखावट का आविष्कार नहीं हुआ था। तो जब लिखावट का आविष्कार हुआ ही नहीं था, तो उस समय की चीज़ों के बारे में हम कैसे जान पाएंगे? हम उस समय की चीज़ों के बारे में उस समय के पत्थरों से, जानवरों से और उनकी हड्डियों से जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय लिखावट का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन हिस्ट्री ऐसा वक्त है जब लिखावट का आविष्कार हो गया था। प्री हिस्ट्री को हम स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। स्टोन एज के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि उस समय लिखावट का आविष्कार नहीं हुआ था, तो जो भी कुछ होता था वो पत्थरों पे होता था, तो पत्थरों का काफी महत्व होता था प्री हिस्ट्री के समय में। इसीलिए उसे स्टोन एज यानी पत्थरों के युग से जाना जाता है। तो आइए इस पत्थरों के युग के बारे में हम और डिटेल से जानते हैं। हिस्ट्री स्टार्ट्स विद द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। हिस्ट्री का स्टार्टिंग कैसे हुआ, हिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई? जब लिखावट का आविष्कार हो गया तब से हिस्ट्री की शुरुआत हुई। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटन सोर्सेज विच आर स्टडीड बाई द हिस्टोरियंस। आपने पहले के चैप्टर में पहले ही पढ़ चुका है कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हमें प्राप्त हुई थी। अलग अलग तरह के धार्मिक ग्रंथ प्राप्त हुए थे और भी बहुत सारी लिखी हुई चीज़ें हमें प्राप्त हुई थी। और ये किसके द्वारा पढ़ा गया था? हिस्टोरियंस के द्वारा। हिस्टोरियंस कौन होते थे? जो कि हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में काफ़ी जानकार होते थे, उन्हें हम हिस्टोरियंस कहते थे। रिगार्डिंग हिस्ट्री वी हैव बोथ आर्कियोलॉजिकल एज वेल एज रिटन एविडेंसेस। इतिहास को लेकर के हमारे पास दोनों तरह के सबूत हैं। कौन कौन से? आर्कियोलॉजिकल और रिटेन। हमने ये भी पुराने क्लास में पढ़ चुके हैं कि आर्कियोलॉजिकल और रिटेन एविडेंसेस क्या होते हैं। आर्कियोलॉजिकल वैसे होते हैं जो कि हमें खुदाई करके प्राप्त होते हैं, जैसे कि सिक्के, गहने, घड़े, ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं। जबकि रिटन एविडेंसेस यानी कि किताबें, जैसे कि धार्मिक ग्रंथ या फिर नाटक, इस तरह की चीजें। तो हमारे पास इतिहास का दोनों प्राप्त है, दोनों उपलब्ध है। प्री हिस्ट्री इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इंटू ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। जो प्री हिस्ट्री है यानी जिस समय लिखावट का आविष्कार नहीं हुआ था, उसे भी तीन हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से हिस्सों में बांटा गया है? ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। इसे स्टोन एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस समय ज्यादातर जानकारी हमें पत्थरों के माध्यम से ही मिली थी, इसीलिए हम स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसे हम इस स्टेजेस को हम अच्छे से हम जानेंगे। अब सबसे पहले इसे भी हम प्री हिस्ट्री के टाइम को भी अलग अलग भागों में जैसे बांटा गया है, तो उसे भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है पैलियोलिथिक एज, जिसे कि ओल्ड स्टोन एज के नाम से जानते हैं। पैलियोलिथिक एज क्या होता है? जैसे कि आप फिगर में देख के समझ सकते हैं कि पहले देखिए एक छोटा बंदर था, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसका विकास हुआ, वो धीरे धीरे इंसान बन गया। इसी तरह अलग अलग एज आया, अलग अलग युग आया, अलग अलग तरह से आदमी का विकास हुआ। तो सबसे पहले आता है पैलियोलिथिक एज, यानी कि सबसे पहला एज जब इंसान आया था, उसका बिल्कुल विकास नहीं हुआ था, उस समय इंसान आया ही था। ये कब से कब तक है? ये 5 लाख से लेकर 10,000 BC तक है। ये आपने पुराने चैप्टर में पढ़ा है कि हम समय को बीसी से गिनते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा एज आया था? पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज, यानी कि पुराना पत्थरों का युग। उसके बाद आया मेसोलिथिक एज या फिर मिडिल स्टोन एज। ये कब से कब तक रहा था? ये 10,000 BC से लेकर 8,000 BC तक रहा था। इसमें इंसान का थोड़ा और विकास हुआ था। तीसरा है न्यूलिथिक एज या फिर न्यू स्टोन एज, जो कि 8,000 BC से लेकर के 3,500 BC तक है।
तो हमने पढ़ा था पैलियोलिथिक के इसके बारे में, फिर पढ़ा मेसोलिथिक के इसके बारे में। तो पैलियोलिथिक के इसमें क्या था, इंसान आए ही थे, उनका विकास नहीं हुआ था। मेसोलिथिक के इसमें उन्होंने थोड़ा बहुत विकास किया था, थोड़े बहुत पत्थर वगैरह से हथियार बनाना सीखे होंगे, जानवरों को पकड़ना सीखा होगा। न्योलिथिक के इसमें क्या करना सीखा होगा, न्योलिथिक के इसमें जानवरों को पकड़ कर मारने के अलावा उनसे खेती करना सीखा होगा, उनकी मदद के से साथ ही साथ दूसरे और भी काम जैसे घरे बनाना, ये सब कुछ सीखा होगा। और चालकोलिथिक एज उसके बाद आता है, या फिर ब्रोंज एज। जिसे ब्रोंज एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस समय पे ब्रोंज धातु का आविष्कार हो गया था और इस समय पे इंसान ने काफी तरक्की कर ली थी। यह 3500 BC से 2000 BC तक का है। तो हमने चारों एजेस के बारे में अच्छे से पढ़ा, अब हम इसे और डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो हम बात करेंगे पैलियोलिथिक या फिर ओल्ड स्टोन एज की। पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है, पैलियो प्लस लिथ, इसका मतलब होता है ओल्ड और स्टोन, यानी कि पुराना पत्थर का समय, ऐसा समय जो कि काफी ज्यादा पुराना है। और ये किससे आया है, ये ग्रीक वर्ड से आया है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, द वर्ड पैलियोलिथिक इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स विच मीन्स ओल्ड स्टोन। दिस वॉज द एज वेन मैन यूज स्टोन टूल्स विच वेयर रफ एंड अनफिनिश्ड। ये ऐसा समय था जब इंसान जो है वो पत्थर के हथियार इस्तेमाल करते थे। और पत्थर के हथियार क्यों इस्तेमाल करते थे, ताकि जानवरों को पकड़ कर मार सके और उन्हें खा सके। लेकिन वो पत्थर के हथियार कैसे होते थे, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते थे। वो जैसा पत्थर होता था उसी को उठाकर उसी का हथियार बना लेते थे। द ओल्ड स्टोन एज बिगेन इन इंडिया अबाउट 5 लाख ईयर्स अगो। इट क्लोज्ड अराउंड 10,000 BC। यह 5,000 साल पहले शुरू हुआ और करीब 10,000 साल BC तक चला था। स्टोन टूल्स ऑफ दिस एज हैव बीन फाउंड इन द वैली ऑफ द रिवर जोन एंड द अपर झेलम रिवर एरिया। और इस समय के जो पत्थर थे वो हमें कहाँ कहाँ पे प्राप्त हुए, अभी हमें सोन नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं और झेलम नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। तो ये पत्थर प्राप्त होने से हमें क्या पता चला, कि पैलियोलिथिक समय में लोग किस तरह के हथियार का इस्तेमाल करते थे और वो हथियार कैसे होते थे, वो हथियारों का इस्तेमाल किस लिए करते थे और वो कहाँ पे रहते थे। जैसे वो सोन नदी के किनारे या झेलम नदी के किनारे रहा करते होंगे, तभी वहां से हमें हथियार प्राप्त किए हुए। दे हैव बीन फाउंड एट वेरियस प्लेसेस इन साउदर्न इंडिया ऑल्सो। इसके साथ ही साथ वह दक्षिण भारत में भी रहा करते थे और वहां से बहुत सारे उनके हथियार प्राप्त हुए। कहाँ कैसे हथियार, पैलियोलिथिक के समय के हथियार प्राप्त हुए। द टूल्स ऑफ दिस एज आर ऑफ टू काइंड, कोन एंड फ्लेक इम्प्लीमेंट्स। इस समय के जो हथियार थे वो दो तरह के थे, कोन एक फ्लेक के हथियार। तो ये कोन और फ्लेक के हथियार कैसे होते हैं, चलिए जानते हैं। पहला, जो कोन के स्टोन्स होते थे वह या तो ओवल आकार के होते थे या फिर पियर आकार के होते थे, यूजुअली ओवल और पियर शेप्ड। ओवल क्या होता है, अंडा जैसा आकार या फिर नाशपाती जैसे आकार के होते थे। एंड वे शार्पेंड एज दी एजेस, और जो किनारे होते थे उनके वह शार्पेंड होते थे, यानी नुकीले नुकीले होते थे। दे वेयर हैवी, वो भारी होते थे। एंड वे आर यूज्ड एट हैंड एक्सेस फॉर कटिंग ट्रीज, और वो कुल्हारी के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे ताकि पेड़ों को काटा जा सके। डिगिंग द अर्थ एंड शेपिंग स्टिक्स फ्रॉम दी वुड, और साथ ही साथ धरती को खोदा जा सके और लकड़ियां बनाया जा सके, ऐसा कोन स्टोन्स के इस्तेमाल से किया जाता था। अब फ्लेक इम्प्लीमेंट क्या होते थे, फ्लेक वाले हथियार कैसे होते थे। फ्लेक इम्प्लीमेंट्स वेयर टूल्स मेड फ्रॉम द पीसेस दैट ब्रोक अवे वाइल शेपिंग दी हैवी कोन्स टूल्स। फ्लेक इम्प्लीमेंट्स वो हथियार होते थे, वो वैसे टुकड़ों से बनाए जाते थे जो कि बड़े बड़े भारी हथियार बनाने में टूट जाते थे। जो टूटे टुकड़े होते थे उनसे बनाए जाते थे। उन टुकड़ों को, द पीसेस वेयर फर्दर शार्पेंड एंड यूज्ड एज चॉपर्स। उन टुकड़ों को, किनारों को धारीदार बनाया जाता था, नुकीला बनाया जाता था, एंड यूज्ड एज चॉपर, और उन्हें काटने के काम में लाया जाता था। कुछ भी काट सकते थे वो, पत्तों को काट सकते थे, मीट काट सकते थे। द फ्लेक इम्प्लीमेंट्स वेयर यूजफुल फॉर
स्टनिंग एनिमल्स एंड चॉपिंग मीट्स, वह जानवरों और मीट काटने के काम में लाते थे। देखिए यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं किस तरह के हथियार होते थे, ओल्ड स्टोन एज या फिर पैलियोलिथिक के कैसे हथियार होते थे, ये सारे आपको दिख रहे हैं, ओवल जैसे, अंडाकार जैसे और भारी। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड मैन वाज ए नोमैड। हमने प्री हिस्ट्री में चार पीरियड के बारे में पढ़ा, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, न्योलिथिक और चालकोलिथिक। तो हम अभी पैलियोलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं, किस तरह इंसान ने उस समय अपना विकास करना शुरू किया। इंसान उस समय पे नोमैड था, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह भटकता था खाने और पानी की तलाश में। ही डिड नॉट नो हाउ टू प्रोड्यूस हिज ओन फूड। उसे पता नहीं था कैसे अपने अनाज को उत्पन्न किया जाए, कैसे उसे उपजाया जाए। सो ही ऑलवेज वांडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग फूड। इसीलिए वह हमेशा एक जगह से दूसरे जगह भटकता रहता था ताकि शिकार कर सके, जानवरों को मारकर खा सके और खाना को इकट्ठा कर सके। दस द प्रिमिटिव मैन वाज ए हंटर एंड फूड गैदरर। इसीलिए जो प्राचीन समय में इंसान होते थे, जो आदि मानव होते थे, वो शिकारी थे और खाने को इकट्ठा करते थे। तो वो किस तरह के खाने को इकट्ठा करते थे? वह वाइल्ड प्लांट्स को, यानी जंगली पौधे को, फल को, मीठे जड़ को, बेरी को और जंगली जानवरों के कच्चे मांस को इकट्ठा करके खाते थे। जैसे यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं कि आदमी एक जानवर का शिकार कर रहा है, तो दूसरे फिगर में है कि वो किस तरह फल फूल को इकट्ठा कर रहा है खाने के लिए। ग्रुप लाइफ। इन द बिगिनिंग मैन लेड ए नोमैडिक लाइफ। हमने जाना किस तरह वो नोमैड का जीवन जीते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह खाने और पानी की तलाश में जाते थे। दे लिव्ड इन ग्रुप। वह एक समूह में रहते थे, यानी दो तीन लोग एक साथ रहा करते थे। दे बिल्ट नो शेल्टर्स और हाउसेस फॉर देम सेल्फ बट लिव्ड इन नेचुरल केव्स और अमिडस्ट दी लीफी ब्रांचेज ऑफ बिग ट्री। वह कोई भी घर अपने लिए नहीं बनाते थे, बल्कि गुफाओं में रहते थे और बड़े बड़े पेड़ की शाखाओं में रहा करते थे। दे मेनली हैड टू एनिमीज। उनके ज्यादातर दो ही दुश्मन होते थे, द अनसर्टेन वेदर एंड वाइल्ड एनिमल्स। एक तो खराब मौसम और दूसरा जंगली जानवर। दे वे आर अफ्रेड ऑफ थंडर, लाइटनिंग, फ्लड्स एंड जंगल फायर्स। वह बिजली कड़कने से, बादल गरजने से, बाढ़ आने से और जंगल में आग लगने से उन्हें काफी डर लगता था, क्योंकि उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जैसे आज के समय में हमें पता होता है ये सारी चीजें क्यों होती है, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। फिरोशियस एनिमल्स लाइक टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स एंड राइनोसोरस रोम्ड इन दी फॉरेस्ट। दे वेयर मच मोर स्ट्रॉन्ग देन दी मैन एंड ऑलवेज हैड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम देम। अलग अलग तरह के जंगली और खूंखार जानवर जैसे कि शेर, बाघ, हाथी और राइनोसोरस जो है वो जंगलों में घूमा करते थे। वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते थे आदमी से, एंड ऑलवेज हैड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम देम, और आदमी को हमेशा उनसे बचकर रहना पड़ता था। दे वेयर ए वैंडरिंग लाइफ स्पेंट मोस्टली इन फियर एंड हंगर। उनका जीवन एक जगह से दूसरी जगह भटकने में चला जाता था, अधिकतर जीवन डर में जाता था और वो बहुत समय भूखे होते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता था कौन सी चीजें खाने योग्य और कौन सी नहीं। सो दे लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स। इसीलिए वो छोटे से समूह में रहा करते थे ताकि कोई भी जंगली जानवर उन पे हमला ना कर पाए। दे ऑल्सो वांडर्ड इन ग्रुप्स वेन दे मूव्ड इन सर्च ऑफ फूड और वेंट फॉर हंटिंग। वह छोटे से समूह में जाते थे खाने की तलाश करने या फिर शिकार करने। यर्ली मैन मेड यूज ऑफ नेचुरल पिगमेंट्स फ्रॉम प्लांट एंड रॉक टू पेंट पिक्चर्स ऑन वॉल्स। कोई भी दीवार पे चित्र बनाने के लिए और उसे रंगने के लिए प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल किया जाता था उस समय पे। और वो प्राकृतिक रंग कहाँ से आता था? वो प्राकृतिक रंग या तो पौधों से या फिर पत्थरों से आता था। स्टोन टूल्स एंड आर्टिफैक्ट्स एंड देयर यूज। अब हम कुछ हथियारों की बात करेंगे और उनके इस्तेमाल की बात करेंगे। सबसे पहले हम हैंड एक्स की बात करेंगे। इट वॉज ए पियर शेप्ड टूल, या एक नाशपाती के आकार का हथियार होता है, विथ शार्प एजेस ऑन ऑल दीज साइड्स।
जिसके हर साइड जो होते हैं वो धारीदार होते हैं। इट वॉज यूज फॉर कटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स और फॉर स्मैशिंग सर्टेन थिंग्स। यह कुछ काटने के काम आता है या कुछ मसलने के काम आता है। चॉपर। इट वॉज मेड बाई शार्पनिंग द थिनर एज ऑफ द स्टोन। जो पतला किनारा होता है पत्थर का उसे धारीदार बनाया जाता है और इस तरह चॉपर बनाया जाता है। जैसे हमारा आज के समय में चाकू होता है, चॉपर भी बिल्कुल उसी तरह होता है। इट वॉज मेनली यूज फॉर चॉपिंग मीट। इसका इस्तेमाल मीट को काटने के लिए किया जाता है। क्लीवर। इट हैड ए वाइड चीजल टाइप एज टू कट अदर स्टोन्स और स्मॉल ब्रांचेज ऑफ दी ट्रीज। क्लीवर का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है? क्लीवर का इस्तेमाल पत्थर को काटने के लिए या पेड़ की शाखाओं को काटने के लिए किया जाता है। अब हम आते हैं स्क्रैपर पे। इट वॉज यूज टू क्लीन और स्क्रैप दी स्किन्स ऑफ एनिमल्स। स्क्रैपर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जानवरों की जो त्वचा होती है, जानवरों की जो छाल होती है उसे साफ किया जा सके। बज। इट वॉज यूज टू मेक डीप होल्स इन दी अर्थ। बज का इस्तेमाल धरती में बड़े बड़े छेद करने के लिए किया जाता है। एरो हेड। एरो हेड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो भी भागते हुए जानवर हो उन पे निशाना लगा के उन्हें मारा जा सके। क्लॉथिंग। द प्रिमिटिव मैन डिड नॉट मेक एनी काइंड ऑफ क्लॉथ बट यूज एनिमल स्किन्स और बार्क ऑफ ट्रीज टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड वेदर और रेन। प्राचीन समय में लोगों के पास किसी भी तरह के कपड़े नहीं हुआ करते थे। वह जानवरों की छाल, पेड़ों की छाल यह सब पहना करते थे ताकि उन्हें ठंड के मौसम में बचाव किया जा सके, उन्हें उनका खुद का, और बारिश में भी वह अपना बचाव कर सके। द डिस्कवरी ऑफ फायर यानी कि आग का आविष्कार। इन दिस एज मैन मेड ए वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। इस समय पे इंसान ने बहुत जरूरी आविष्कार किया। ही डिस्कवर टू लाइट द फायर। आग का आविष्कार किया गया। वन डे मैन परहैप्स सॉ फायर इन द वुड काउज्ड बाई लाइटनिंग। एक दिन इंसान ने देखा होगा कि बिजली चमकने से और बिजली गिरने से लकड़ी में आग लग गया। ही क्यूरियसली ब्राउट दी बर्निंग स्टिक्स टू हिज केव वेयर दैट फायर प्रोवाइडेड हिम लाइट एंड वार्म। और वह आश्चर्य से इस जलती हुई लकड़ी को अपने गुफा में लेके गया होगा जहाँ इस आग के कारण उसकी गुफा में उजाला आया होगा और उसे गर्मी मिली होगी। लेटर ऑन ही लर्न टू प्रोड्यूस फायर बाई रबिंग टू पीसेज ऑफ स्टोन टूगेदर। उसके बाद उसने आग को उत्पन्न करना सीखा होगा कैसे? पत्थर के दो टुकड़ों को साथ में रगड़ करके। फायर हेल्प हिम नॉट ओनली टू फ्राइटन अवे द वाइल्ड एनिमल्स। आग के कारण ना सिर्फ जंगली जानवर भागे होंगे बट ऑल्सो टू रोस्ट रॉ मीट ऑफ, बल्कि कच्चे मांस को पकाने में भी आग काफी उपयोगी होगा। एनिमल्स विच ही फाउंड मोर डिलीशियस इन टेस्ट। और आग के कारण जो कच्चा मीट पकाते होंगे आदि मानव वह काफी स्वादिष्ट हो गया होगा। आर्ट ऑफ द अर्ली मैन। अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स इन दी अर्ली स्टेजेस ऑफ हिज डेवलपमेंट। शुरुआती दौर में जो आदि मानव थे वो गुफाओं में रहा करते थे। ड्यूरिंग फ्री टाइम ही ड्रॉ आउटलाइंस एंड मेड रफ स्केचेस ऑफ सीन शोइंग डांसिंग फिगर्स एंड हंटेड एनिमल्स। और खाली समय में बैठे बैठे वह चित्र बनाया करते थे। किन चीजों के चित्र बनाया करते थे? नाचते हुए फिगर के चित्र और शिकार करते हुए जानवरों के चित्र बनाया करते थे। ही मेड दिस फिगर्स ऑन वॉल्स एंड सीलिंग्स ऑफ द केव और इवन ऑन द हैंडल्स ऑफ द टूल्स। वह इन चित्रों को दीवार पे, गुफाओं पे और हथियारों के हैंडल पे बनाया करते थे।
ही पेंटेड पिक्चर्स विथ वेट क्ले, वह गीली मिट्टी के साथ भी चित्र को पेंट किया करते थे। दीज पिक्चर इंक्लूड वाइल्ड बाइसन्स, बियर्स, हॉर्सेज, स्टाग्स एंड अदर एनिमल्स। इन चित्रों में जंगली जानवरों के चित्र होते थे, जैसे कि जंगली भैंस, भालू, घोड़े और दूसरे जानवरों के। सच पेंटिंग हैव बीन फाउंड इन द केव्स एट अल्टामीरा इन स्पेन एंड लक्सस इन फ्रांस एंड इन सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश इन इंडिया। ऐसे चित्र कहाँ कहाँ पाए गए हैं? ऐसे चित्र स्पेन के अल्टामीरा में पाए गए हैं, फ्रांस के लक्सस जगह पे पाए गए हैं और भारत में भी कुछ राज्यों में पाए गए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में और मध्य प्रदेश में।